तो हैंड रिटन शीट नंबर डालो इस पे 79, इस शीट की नंबरिंग करो 79। ठीक, मैंने अपने ऑफिस में प्रिंट रखवा दिए हैं शीट्स के, वन से लेके जितनी भी शीट्स आज तक मिली हैं उसमें नंबर वाइज है। अगर कोई अपनी फाइल मैच करना चाहता है ऑफिस से ले ले, अपनी फाइल को मैच करे नंबर वाइज सही है, अगर कोई मिसिंग है तो प्रिंट ले ले, अपनी फाइल को प्लीज सही तरीके से मेंटेन करके रखें। ठीक ठीक, गुमने नहीं चाहिए कोई भी एक भी शीट। तो टॉर्क एंड एप्लीकेशंस के अंदर वापस चलते हैं अब अपने, क्योंकि आज मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। मतलब आज वही सिचुएशन है कि जैसे आप प्लस वन में एंटर हुए थे और हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन में आज मैं आपको बताऊंगा न्यूटन का लॉ क्या होता है, फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कायदे से अब चैप्टर स्टार्ट है काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल, जिसके अंदर हम फोर्स वर्ड नहीं यूज करेंगे, टॉर्क करेंगे। हमें नॉलेज है टॉर्क कैसे निकलता है, हम आई करेंगे, अब कुछ फिगर्स का तो आई हमें याद है कैसे निकलता है, और अल्फा हमें पता है अल्फा सर्कुलर मोशन से क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज हम फॉर्मूला लगाएंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कहाँ और कैसे लगता है। ठीक है यहाँ तक? तो इसके लिए सबसे पहली चीज हमने जो अभी तक किया, वी हैव डन, मैंने लिखा हुआ है अभी तक, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई, हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट किया था, उसमें टॉर्क निकालना सीखा था। टॉर्क का एक और फॉर्मूला आज हम सीखेंगे, जैसे फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह रोटेशन में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और ए की जगह अल्फा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। कोई डाउट इसमें? ये भी क्लियर है यहां तक? तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा आज हम लगाएंगे। तो आज की रेट में हमारे पास दो फॉर्मूलाज है टॉर्क के, पहला टॉर्क इज आर एफ साइन फाई या फिर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ऐसा भी लगाते थे, और दूसरा आई टाइम्स अल्फा। कोई पूछ ले टॉर्क इज आई अल्फा कहां से आया, तो क्या बोलोगे कि जैसे फोर्स की जगह टॉर्क लगाना, एम की जगह आई लगाना, ए की जगह अल्फा लगाना, ये एब्सोल्युटली गलत है और बिल्कुल भी मत, मैंने नहीं सिखाया आपको ये। ठीक, तो मेरा नाम नहीं लगाना, मैंने कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ समझाया कि ऐसा जैसे काइनेमेटिक्स में किया तो ऐसा इस तरीके से ये भी चलेगा, लेकिन एक्चुअल में जो प्रूफ है ऐसा नहीं है, प्रूफ किसी और तरीके से पहले देख लेते हैं कहां से आया, वैसे माइंड में रख सकते हो क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को फिर समझना इजी हो जाता है अगर हम कंपैरिजन कर सकते हैं पुराने काइनेमेटिक्स के लिए, पर ये फॉर्मल तरीका नहीं है समझाने का, वैसे मैं आपको बता दूं, बट सबसे बढ़िया तरीका यही है। तो मैंने लिखा हुआ है इसमें भी देखो कि जैसे हमने सिमिलर टू फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन लॉज ऑफ मोशन में किया था, जैसे हम किया करते थे न्यूमेरिकल, 1 kg का ब्लॉक है, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, किसी ने 2 न्यूटन की ऑपोजिट लगाई और एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम, तो हम क्या करते थे, फोर्स नेट फोर्स क्या होती थी, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस, तो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की जगह 1 पुट करते थे, एक्सेलरेशन आ जाती थी। ये तो लॉज ऑफ मोशन की स्टोरी थी। अब हम क्या करेंगे, जैसे नेट फोर्स है, इस चैप्टर में नेट टॉर्क है, जहां मास है वहां आई और जहां ए है वहां अल्फा, तो आज हम फॉर्मूला लगाएंगे नेट टॉर्क इज आई टाइम्स अल्फा। लेकिन करने से पहले इसका प्रूफ देख लें एक बार, फॉर्मल प्रूफ की आया कहां से, वो तो एक तरीका है ही, बेस्ट तरीका जो मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज इसका फॉर्मल तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आज के लेक्चर में 2-3 चीजों के आंसर मुझे आपको देने हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो स्टूडेंट अपनी ही दुनिया में कुछ का कुछ सोच लेता है और उसको ये नहीं पता लगता कि मैंने क्या सोचा और सही सोचा कि गलत सोचा। देखो कैसे, सबसे पहले ये बताओ कि अगर आपके पास ये कोई डिस्क है, ठीक, डिस्क है, प्लेटफॉर्म है, और ये रोटेट कर रहा है विद ओमेगा एंड ओमेगा इज कांस्टेंट, ये लो, तो कांस्टेंट ओमेगा के साथ ये रोटेट कर रहा है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे सपोज आपके पास कोई भी एक पॉइंट मास है m1, इसके अंदर मास है m1, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1, एक है m2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, एक है m3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 एंड सो ऑन, हर पार्टिकल का अपना अपना कोई डिस्टेंस है, राइट? ठीक है,
मेरा क्वेश्चन ये है, इन तीनों पार्टिकल्स में से किसका ओमेगा ज्यादा होगा, किसका कम होगा, या फिर सबके लिए ओमेगा सेम होगा? डिस्क है, रोटेट कर रही है, एम एम थ्री का ज्यादा होगा क्योंकि वो दूर है, एम टू का कम होगा क्योंकि वो पास है, एम वन का बीच में होगा, कुछ ऐसा लॉजिक कुछ लोग लगा रहे हैं। ओके, मैं दो मिनट के लिए प्लीज अपना क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। ये डिस्क है, फिर से सेम क्वेश्चन है, फिर से ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट, फिर घुमाने जा रहा हूं, लेकिन इस बार मास की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे की बजाय ऐसे लूंगा। ये पहला पार्टिकल है एम वन, इसकी लाइन में दूसरा पार्टिकल है एम टू, और सबसे आखिरी पार्टिकल है एम थ्री। अब बोलो ओमेगा सेम होगा या डिफरेंट होगा, और अगर ज्यादा होगा तो इन तीनों में से किसका ज्यादा होगा? ओके, ओमेगा होता क्या है? नहीं, मुझे पता है एंगुलर स्पीड होती है, क्या मतलब कैसे निकलता है, डिफाइन कैसे करते हैं, कितना एंगल कवर किया, कितने टाइम में किया, ऐसे होते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैंने इसको घुमा दिया, जब मैंने इसको घुमाया, ये मैंने इसे घुमा दिया, ये एक ही लाइन में थे, ऐसा तो नहीं हो गया कि ये तेज चला गया या स्लो गया, डिस्क के ऊपर ही है ना, तो ये एम वन इधर आ गया, एम टू मान लो पीछे की तरफ हो गया, और एम थ्री आखिरी में, अभी भी ये तो नहीं कि आगे पीछे हो गए, है तो डिस्क का पार्ट ना, तो एंगल कवर तीनों ने, एम वन ने कितना कवर किया, थीटा, एम टू ने भी कितना कवर किया, एम थ्री ने भी कितना कवर किया, थीटा, तो एंगल ही बराबर है, सेम टाइम में सेम एंगल है, ओमेगा इनके लिए सेम है, डिफरेंट कहाँ होगा, कैसे होगा डिफरेंट, नहीं होगा डिफरेंट। हम सब अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं और ये पूरा फ्लोर अगर रोटेट कर रहा है, और ये मान लो ये जो कैमरे का ये सेंटर है, अगर मैं रोटेशन से इधर आ गया एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री, तो तुम भी तो उधर चले गए अपनी सीट के हिसाब से एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। अगर कोई ये कहे सर आपका तो 10 डिग्री है और इसका तो सिर्फ 2 डिग्री है, फिर तो ऐसा होगा कि मैं तो ज्यादा एंगल कवर करता जाऊंगा और ये मेरे से पीछे, मतलब मैं इसको ओवरटेक ही कर जाऊंगा डिस्क के ऊपर, डिस्क से चिपके हुए हम लोग ओवरटेक कैसे करेंगे, हम तो डिस्क का पार्ट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा आए कि डिस्क के ऊपर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है m1 m2 m3 किसी भी दूरी पे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डिस्क कांस्टेंट ओमेगा से घूमती है तो ओमेगा हर पार्टिकल के लिए विल रिमेन सेम। ठीक है यहां तक? नहीं तो फिर अनइक्वल एंगल हो जाएंगे। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, आप किसी मेले में जाओ, वहां झूला लो, वो घोड़े होते हैं, घोड़े पे बैठ जाते हैं छोटे छोटे बच्चे दो दो लाइन में ऐसे, वो डिस्क घूम रही होती है और वो ऐसे घोड़े हवा में लटके होते हैं, तो उस पे छोटे बच्चे घूम, एक घोड़ा इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तीन है, तो मतलब ये ठीक है, पेरेंट्स वेट कर रहे हैं कि कब बच्चे का चक्कर कंप्लीट होगा। अब जिसका तो एंगल छोटा है, कहीं ऐसा ना हो ना वो ज्यादा एंगल कवर कर गया या कम कर गया, और जो दूर है वो फटाफट तेज भागेगा, ऐसे थोड़ा ना होता है, पूरा का पूरा फ्लोर इकट्ठा ही घूम रहा होता है, और जो जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हॉर्स है वो घूम के बराबर आता है, तो तीनों इकट्ठे ही आते हैं ना, ये थोड़ी ना है कि एक बच्चा आगे चला गया एक पीछे चला गया, तो बेसिकली चिपके होते हैं वो रॉड के साथ जो हॉर्सेस हैं, तो वो इकट्ठे ही एंगल कवर करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ओमेगा की वैल्यू हर के लिए सेम ही रहेगी। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, जब चैप्टर चल पड़ता है फिर इन चीजों में वापस जाना बड़ा अजीब लगता है कि यार ये ओमेगा डिफरेंट क्यों नहीं ले रहे, वो कॉन्सेप्ट समझोगे कि ओमेगा समझोगे। तो पहला रूल समझ में आ गया। ओके, अगर मैंने ओमेगा को बढ़ा दिया, इंक्रीज किया, पहले स्लो घूम रही है डिस्क, अब तेज अब तेज अब तेज, तो जितने भी पार्टिकल हैं पहले स्लो घूम रहे हैं, अब तेज होते जा रहे हैं, तो सबके लिए ओमेगा इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये नहीं है कि एक के लिए इंक्रीज होगा और दूसरे के लिए इंक्रीज नहीं होगा, तो फिर सबके लिए इंक्रीज हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इस केस में पहला लॉजिक तो क्लियर है, ओमेगा विल रिमेन सेम। अच्छा, मैं सपोज एक काम करता हूं, सेम क्वेश्चन है, मैं ये बोलता हूं कि ओमेगा इस टाइम कॉन्स्टेंट नहीं है, ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो इसमें क्या जनरेट हो जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो पार्टिकल्स हैं वो ओमेगा को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसमें अल्फा जनरेट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें?
तो अब ये बताओ किसका अल्फा ज्यादा होगा किसका अल्फा कम होगा या सेम होगा? सेम होगा, क्यों? क्योंकि जो M1 पार्टिकल है अगर उसका ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो M2 का भी इंक्रीज हो रहा है, M3 का भी इंक्रीज, हर पार्टिकल का इंक्रीज है तो वो डिस्क का पार्ट। तो अगर एक पार्टिकल का कोई अल्फा जनरेट हो गया तो बाकी पार्टिकल्स का भी सेम अल्फा जनरेट होगा। तो फिर सेकेंड रूल बनाते हैं, अगर पूरी डिस्क घूमती है और अल्फा के साथ घूमती है यानी कि ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू सभी पार्टिकल के लिए विल रिमेन सेम। कोई डाउट इसमें? कोई ज्यादा पास है कोई कम पास है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? तो ओमेगा सेम अल्फा सेम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ये पार्टिकल घूम रहे हैं डिस्क पे है ना, दे आर क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं तो इस एक्सिस के अबाउट सभी पार्टिकल घूमते जा रहे हैं तो इनके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, सर्कुलर मोशन में की थी। तो जैसे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है v1, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी v2, इसकी क्या होगी v3 एंड सो ऑन, क्योंकि हर कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी तो होगी अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रहे तो। बोलो v1 v2 v3 डिफरेंट होगा या सेम होगा? कितने लोग बोलते हैं सेम होगा, कितने बोलते हैं डिफरेंट होगा? और जो लोग बोलते हैं डिफरेंट होगा वो क्यों डिफरेंट होगा? फॉर्मूला क्या लगा रहे हो? v = r ओमेगा। सेम नहीं होगा क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि इसका डिस्टेंस एक्सिस है कितना है r1, तो ये r1 चक्कर में घूम रहा है और जो दूर है वो r2 चक्कर में घूम रहा है। तो किसी भी बॉडी को जब सर्कल में घुमाते हैं तो ये कौन सी वेलोसिटी मानी जाती है? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है वो r पे डिपेंड करती है, लेकिन ओमेगा सभी पार्टिकल के लिए क्या है? सेम। अब जिसका आर ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? आर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है यहां तक? तो वेलोसिटी ऐसे केस में सबकी सेम नहीं होती, ओमेगा सबका सेम होता है, अल्फा सबका सेम होता है, वी टेंजेंशियल सबकी सेम नहीं होती, वो प्लेसमेंट और पोजीशन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, अगर मान लो इसमें अल्फा है तो हर पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी at, याद है सर्कुलर मोशन at, तो at क्या होता था? r टाइम्स अल्फा। अब सभी पार्टिकल का अल्फा सेम है लेकिन r तो सेम नहीं, जिस पार्टिकल का r ज्यादा होगा उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। कोई डाउट इसमें? तभी तो अगर आप ऐसी डिस्क पे खड़े हैं और आप डिस्क के बिल्कुल कॉर्नर पे हैं और आपने एक रॉड को पकड़ रखा है, आपको हो सकता है ज़्यादा मज़ा आए, आपको वेलोसिटी बहुत टेंजेंशियल ज़्यादा मिल रही है, लेकिन अगर आप बिल्कुल उस डिस्क के सेंटर पे रॉड पे खड़े हुए हैं आप उसी एक्सिस पे घूमते जा रहे हैं आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी कम मिलेगी। तो आप कहते तो नहीं यार बाहर की तरफ चलते हैं थोड़ा मज़ा आएगा क्योंकि आपको वेलोसिटी टेंजेंशियल ज़्यादा मिलती है तो आपको ठीक लगता है थोड़ा सा। अगर एक्सिस पे जाके खड़े हो जाओगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या कुछ भी नहीं, एक्सिस पे घूमते रहोगे। तो इसलिए ऐसे झूलों में लोग थोड़ा एंड में बैठना पसंद करते हैं ताकि थोड़ा सा थोड़ा थ्रिल भी आए, एडवेंचर लगेगा कि हाँ कुछ किया है। वो कोलंबस वो आती है जो, तो एक्सिस तो उसका बॉटम लाइन है ना, ये वाला पूरा कोलंबस इसके ऊपर बेस्ड है ना, ऐसे ऐसे शेप ऐसी होती है ना उसकी शेप की, तो वो एक्सिस तो ये रहा बॉटम, इसके अबाउट घूम रही होती है वो ऐसे। तो सोचो ना जो आखिरी में बैठा हुआ है उसका डिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी ज्यादा। जो एक्सिस पे जाके बैठ जाता है जिसको थोड़ा झूला भी लेना है और डरना भी है तो वो उसको ना बिल्कुल वहां सेंटर तू यहीं बैठ जाए बस, क्योंकि उसने तो इतना सा मूव करना है बस, तो वो चक्कर नहीं आएंगे तो ठीक है यहीं पे ठीक। तो ऐसा है कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो आर के ऊपर ए और वी डिपेंड करता है, ठीक। तो यहां तक तो क्लियर हो गया, अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्योंकि ये चीजें बहुत तंग करती हैं बाद में कि वी सेम कैसे ले लिया, ए कैसे ले लिया, अल्फा ओमेगा। अब रूल ही क्लियर हो गया तो कोई पूछेगा ही नहीं, सब डन हो गया। देखो तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसको प्रूफ करने के लिए जैसे सपोज करो एक बॉडी रोटेट कर रही है, एक बॉडी रोटेट कर रही है और मैंने यहां पर अल्फा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट ओमेगा के साथ रोटेट नहीं कर रही, इसका ओमेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीज हो रहा है। क्या पॉइंट क्लियर है? अल्फा है, बहुत सारे पार्टिकल है m1 m2 m3। अब क्योंकि अल्फा है तो हर की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी, तो ये एक्सेलरेशन कौन सी है? टेंजेंशियल है, राइट? यहां तक क्लियर है? तो इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a1 है, इसकी a2, इसकी a3 एंड सो ऑन। ये तो a टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में लिख ही दिया इसमें,
और हर की डिफरेंट है, आज हमने डिस्कस कर लिया, अल्फा सबका सेम है, ए सबका डिफरेंट है, क्योंकि ए आर पे डिपेंड करता है। तो एम वन एम टू पॉइंट मासेस है, हमने किया हुआ है सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होती है, आर अल्फा। तो पहले पार्टिकल का ए क्या है, आर वन अल्फा, अल्फा सेम है। दूसरे का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है, आर टू अल्फा, और लास्ट का आर एन अल्फा। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये एक्सीलरेशन है आपकी ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन। तो टॉर्क क्या होता है, देखो हर पार्टिकल को टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। टॉर्क होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो फोर्स मान लो एफ वन लग रही है पहले पार्टिकल पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से आर वन है, फोर्स होती क्या है, मास इंटू एक्सेलेशन, क्योंकि फोर्स टेंजेंशियल लग रही है तभी ये पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्सेलेशन भी टेंजेंशियल लेंगे। तो टेंजेंशियल एक्सेलेशन कितनी है, ए वन है। तो ये स्टेप समझ में आ गया, और ए वन किसके इक्वल था, आर वन अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वन इंटू आर वन स्क्वायर इंटू अल्फा। तो फिर सेकेंड पार्टिकल लेंगे, सेकेंड पार्टिकल का टॉर्क क्या होगा, आर टू इंटू एफ टू, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, आर टू इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ टू क्या है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या है, आर टू अल्फा, अल्फा सेम रहेगा। तो ये वैल्यू, ऐसे सभी पार्टिकल का टॉर्क निकालेंगे तो एन तक आ जाएगा। टोटल टॉर्क सभी पार्टिकल्स पे क्या होगा, सभी को ऐड कर दें, ऐड किया, वैल्यूज पुट की, कॉमन आ गया इसमें अल्फा, क्या बचा, एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, अप टू एम एन आर एन स्क्वायर। और सभी पार्टिकल्स का टोटल मोमेंट इनर्शिया क्या होता है, एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, अप टू एम एन आर एन स्क्वायर, इसकी जगह आई पुट कर लिया, तो नेट टॉर्क क्या आ गया सभी पार्टिकल्स का मिला के, आई टाइम्स अल्फा। ये सही तरीका है, लेकिन वो भी तरीका बुरा नहीं है, उसे फटाफट समझ में आता है क्या हुआ था। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक? तो मतलब वेरिफिकेशन हो गई कि नेट टॉर्क किसी भी बॉडी पे आई टाइम्स अल्फा लग सकता है। तो अब हमारे पास ये प्रूफ भी हो गया, अब इसके एप्लीकेशन पे आते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन से कंपेयर किया तो लॉज ऑफ मोशन की ही प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन है, याद है पुली के क्वेश्चंस किया करते थे, पुली पुली के अंदर हम क्या करते थे, एक पुली है, दो मासेज हैं, हम कुछ ऐसा करते थे और कहते थे एक्सेलरेशन निकालो, एटवुड मशीन, याद है जब आपको फिजिक्स में लगा था कि हाँ सही है फिजिक्स, फील आ रहा था न्यूटन के लॉज आ गए हैं, और इतना बुरा नहीं था, लॉज ऑफ मोशन अच्छा था, ठीक था, ठीक था, ये भी सेम है। अब देख ही सकते हो इसमें भी एक्सेलरेशन निकालनी है, पूरा लॉज ऑफ मोशन बीच में आएगा अभी, क्योंकि इसमें सेम ही क्वेश्चन है, बस फर्क ये है कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमने पुली का कभी मास नहीं लिया, हमने मासलेस पुली ली, आज हम पुली का मास भी ले रहे हैं। ये रहा पुली, पुली को क्या कंसिडर किया जाता है, लाइक अ डिस्क, तो पुली को आप डिस्क कंसिडर करें, और एक मास 3 kg, एक 2 kg। अब आप ये देखें कि अगर इसको रिलीज कर दें, और क्वेश्चन वही है, इसकी एक्सेलरेशन निकाल लें, तो ये कहाँ आएगा, नीचे, ये कहाँ आएगा, ऊपर। लॉज ऑफ मोशन जैसे सेम ही चल रहा है, बस एक ही फर्क है, क्योंकि इसमें पुली का मास है, अगर मास ना होता तो टेंशन टी ही रहती सब में, पर इसका मास है तो इन दो मासेस में टेंशन T1 T1 रहेगी पेयर में, इन दो मासेस में T2 T2, क्योंकि जब मासेस चेंज होते हैं तो टेंशन भी चेंज होती है। कोई डाउट इसमें, यहां तक क्लियर है? तो यहां पे टेंशन T1 T1, यहां पर टेंशन T2 T2, तो आज के बाद अगर पुली का मास है फिर तो टेंशन T1 T1 T2 T2, अगर नहीं है TNT TNT, पुराना क्वेश्चन, एक ही फर्क है। अब मेथड वही है, ये नीचे आ रहा है तो इक्वेशन बोलो 3g - T2 = 3 × A, ये ऊपर जा रहा है तो बोलो T1 - 2g = 2 × A, दो इक्वेशंस क्लियर हैं। अब लॉज ऑफ मोशन की सेम वही इक्वेशन स्टार्ट हो गई, फर्क है कि उसमें टेंशन होती थी सेम, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल होते थे T एंड A, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, तीन, T1 T2 एंड A, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हैं, दो। तब अपने को एक और इक्वेशन चाहिए, और एक और इक्वेशन कौन बनाएगा, पुली, पुली घूम रही है तो पुली में क्या जनरेट होगा, टॉर्क। तो टॉर्क देखें क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम उठाया पुली को, यहां पे नीचे की फोर्स कितनी है T2, नीचे की फोर्स कितनी है T1 T2 T1, क्लियर है? रेडियस कितना है, R एंड R, ये भी क्लियर है। अब एक चीज देखो, पुली का एक्सिस क्या होगा, जो पुली है कैसे रोटेट कर रही है, देखो पुली कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है, क्योंकि 3G बड़ा है 2G छोटा है, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, खड़ी खड़ी अगर रोटेट करेगी इस तरीके से, एक्सिस क्या होगा, ये एक्सिस है, तो इसके अबाउट रोटेट कर रही है, इमेजिन कर पा रहे हो एक्सिस,
इसका एक्सिस है और पुली एक डिस्क है, डिस्क के इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो दिस इज हाफ एम आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो अब पुली घूम रही है तो टॉर्क पक्का आएगा, टॉर्क कोई फोर्स लगाएगी, बोलो कौन सी फोर्सेज है? दो फोर्सेज दिख रही है, एक टी टू और एक टी वन। टी टू ने कितना टॉर्क लगाया? टी टू फोर्स है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितने है? आर। तो टॉर्क बोलो टी टू इंटू आर, और ये पुली को कैसे घुमाएगा? टी टू क्लॉकवाइज। टी वन टॉर्क कैसे लगाएगा? एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, तो कितना लगाएगा? फोर्स टी वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? आर। तो टी वन इंटू आर, तो एक टॉर्क टी टू इंटू आर क्लॉकवाइज, टी वन इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे न्यूटन के लॉज, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करते थे, इसमें बड़े टॉर्क में से छोटा टॉर्क में, क्योंकि बड़ा कौन? क्योंकि ये कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। तो इसका टॉर्क पक्का बड़ा होगा, इसका छोटा। अगर दोनों टॉर्क बराबर होते फिर ये घूम ना पाती। तो इस केस में टी टू इंटू आर का टॉर्क टी वन इंटू आर के टॉर्क से बड़ा है, तो नेट टॉर्क क्या होगा? टी टू आर माइनस टी वन। नेट फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सलेशन। नेट टॉर्क क्या होता है? मास नहीं, आई टाइम्स एल्फा। तो देखा जाए तो टॉर्क के दोनों फॉर्मूलास का इक्वेट कर दिया, एक बार आर इंटू एफ वाला लगाया और एक बार आई टाइम्स एल्फा, तो नेट टॉर्क निकाला, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स एल्फा। तो इसके अंदर नेट टॉर्क में आर कॉमन आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे कितने? हाफ एम आर स्क्वायर। तो आई की जगह क्या पुट कर दिया? हाफ एम आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, जो इस 3 केजी की एक्सेलरेशन होगी नीचे आने की, ए 3 केजी की एक्सेलरेशन कितनी है? स्मॉल ए, ठीक, स्मॉल ए है नीचे की तरफ। तो जो 3 केजी की एक्सेलरेशन है स्मॉल ए नीचे की तरफ, ये ए इसकी तो नीचे आने की एक्सेलरेशन है, लेकिन पुली के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। आप सोचो ये पूरी स्ट्रिंग नीचे उतर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ये अगर एक्सेलरेशन ए है तो पुली के लिए ये ए क्या है? टेंजेंट है। तो पुली की एक्सेलरेशन, पुली के लिए ये स्मॉल ए इज एक्टिंग लाइक अ टेंजेंट। और हमने थोड़ी देर पहले अभी एक फॉर्मूला किया था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में क्या की थी? आर टाइम्स एल्फा। पुली तो घूम रही है अल्फा के साथ, तो अल्फा की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए। तो यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर टाइम्स एल्फा लिख दिया मैंने, वेयर स्मॉल ए इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये रूल क्लियर है? क्योंकि मेरे को अल्फा तो निकालना नहीं पुली का, मेरे को तो ए निकालना है ब्लॉक्स का, तो एक काम करते हैं यहां से अल्फा को एलिमिनेट करते हैं ए बाय आर, आर से आर कैंसिल, इस आर से ये आर कैंसिल, और आपके पास तीसरी इक्वेशन तैयार हो गई टी टू माइनस टी वन की एम ए बाय टू, वेयर एम ये इक्वेशन किस पे लग रही है? पुली पे। तो एम इज अ मास ऑफ पुली, पुली का मास कितना है? 1 kg। तो ये इक्वेशन आ गई। अब आपके पास कुल मिला के कितनी इक्वेशन है? 3, दो ऊपर बनाई थी लॉज ऑफ मोशन से, तीसरी ये बन गई। इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, निकाल लेना टी वन टी टू और ए। आप एक चीज नोट करो, आधा तो लॉज ऑफ मोशन ही कर गया काम, आखिरी का एक स्टेप टॉर्क कर गया, बाकी तो सेम है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ोगे, आपकी 70-80% फिजिक्स आज की डेट में, 70% लगाओ पुरानी यूज होगी, 30% इस चैप्टर की यूज होगी। पहले क्या होता था, पूरे का पूरा चैप्टर ही नया चलता था, तो मुश्किल लगता था, एक एक चीज नहीं चल रही है, स्प्रिंग एकदम नया है, शुरू भी नया, फॉर्मूला नहीं पता, कुछ नहीं पता, ना अगला ना पिछला कुछ नहीं पता, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता था। लेकिन अब चीजें क्योंकि अब एप्लीकेशन में आ रही हैं, पुरानी चीजें यूज हो रही हैं, तो थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा। अगले चैप्टर में 90% पुराना रहेगा, 10% की एडिशन होगी। ग्रेविटेशन जब करेंगे बहुत ही कम उसमें एडिशन है, चीजें पुरानी यूज होंगी। फिर हम लिक्विड्स का चैप्टर करेंगे, लिक्विड्स के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं, लिक्विड जब मूव करेगा पाइप में तो आता तो काइनेमेटिक्स ही सॉल्व हो जाएगा, प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट नया ऐड होगा, बाकी सब पुराना। लिक्विड रोटेट करेगा ड्रम में, रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो मतलब आगे जाते जाते थोड़ा थोड़ा आपको ईजी फील होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरीके से। और प्लस टू तो बिल्कुल ही बहुत ही मतलब इसको बोलते हैं कि इजी लेवल में आ जाती है, क्योंकि प्लस टू में बहुत ज़्यादा नया नहीं होता, वो सब एक ही चीज़ को बार 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 चार्ज कोई बस चलता रहता है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल। प्लस वन के न्यूमेरिकल ज़्यादा लेवल में ऊपर है, प्लस टू ज़्यादा है, प्लस टू ठीक है, प्लस वन तो बहुत न्यूमेरिकल है, अंत नहीं है।
चलो इन एनी केस, बट इंटरेस्टिंग है, पॉइंट समझ में आया याद। मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कैसे करना है इसका, एक क्यों पूरी शीट ही है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, जितने मर्जी करते रहो। देखो क्या क्वेश्चन है, सपोज आपके पास ना एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसके ऊपर एक क्या है, एक पुली है, दो मासेस हैं, जैसे हम लॉज ऑफ मोशन में करते थे बिल्कुल सेम टू सेम ही तो है। दो मासेस हैं, अब क्वेश्चन ये है कि इसकी एक्सेलेरेशन निकालो। कोई बोला कि इसको तो नीचे आना चाहिए था, 60 डिग्री है, ऐसे आएगा, कोई फर्क नहीं है, जहां से मर्जी ले लो, इक्वेशंस आंसर सेम ही आना है, बस अगर मैंने गलत ले भी लिया तो मेरा ए नेगेटिव आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझो। मान लो मैंने मान लिया कि इधर आ रहा है, ए निकालना है, हमने लॉज ऑफ मोशन में ऐसे कई क्वेश्चन किए, क्या करते थे, 30 डिग्री इसको नीचे आने की फोर्स क्या मिलती थी, 3g sin 30, और इसको नीचे आने की फोर्स क्या मिलती थी, 2g sin 60, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब पुली का मास है, अगर पुली का मास नहीं होता तो स्ट्रिंग में टेंशन TNT हो जाती, पुली का मास है तो अब यहां की टेंशन T1, यहां की टेंशन T2, फर्क हो गया, समझ में आ गया, एक फर्क हो गया इसमें। तो अब इसकी इक्वेशन तो एज इट इज वैसी बनेगी, नीचे आ रहा है तो इक्वेशन बोलो 3g sin 30 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 into a, कोई डाउट, ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो T2 माइनस 2g sin 60 इज इक्वल टू 2 into a, दो इक्वेशन तैयार हो गई। अगर पुली का मास नहीं होता, मैं फिर रिपीट करता हूं, तो टेंशन तो टी हो जाती और फिर ये कैंसिल हो जाते, मेरा आंसर आ जाता, पर यहां पर पुली का मास है तो टेंशन T1 हो गई, और अगर T1 हो गई, अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए जो कहां से बनेगी, पुली से, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, पुली का एक्सिस क्या होगा, ये पुली मान लो ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक्सिस बीच में से जाएगा, पुली को डिस्क माना जाता है, कौन सी फोर्स इस तरफ लग रही है टेंजेंशियल T1, और कौन सी फोर्स इस तरफ लग रही है T2, तो समझ में आ रहा है इमीडिएट फ्री बॉडी डायग्राम है T1 T2। अब क्योंकि ये पुली एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो कौन सी फोर्स टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, T1 की T2, T1, क्योंकि अगर ये ऐसे घूम रही है तो T1 का टॉर्क ज्यादा होगा, T2 का छोटा होगा, और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है T2 का ज्यादा T1, और अगर ये घूम ही नहीं रही तो T1 T2 का टॉर्क कैंसिल कर रहा है, तो इसमें तो उल्टा घूम रही है, तो T1 टेंजेंट है और टेंजेंट और रेडियस में एंगल 90 है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, तो टॉर्क क्या होगा, R इंटू T1, कैसे एंटी क्लॉकवाइज, और इसका क्या होगा, R इंटू T2 क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क क्या होगा, R into T1 minus R into T2, जैसे net force was mass into acceleration, इसमें net torque is I times alpha, clear है यहाँ तक, और disc के लिए, pulley के लिए I क्या होता है, half mr square, अब ये देखो कि इस block की acceleration A है, पर pulley के लिए वो acceleration is acting like a tangent, इसकी acceleration A है, पर pulley के लिए it is acting like a tangent, और tangent का rule हमें आता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर टाइम्स अल्फा, अल्फा इज ए बाय आर, अल्फा की जगह पुट करेंगे ए बाय आर, एक आर से एक आर कैंसिल, एक आर से ये भी आर कैंसिल, तो यहां से T1 माइनस T2 कितना आ गया, हाफ एम ए, पुली का मास आपको क्वेश्चन में 1 गिवन है, तीसरी क्वेश्चन तैयार हो गई, दो पहले बनी, तीसरी ये बनी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। फिर से देख लो, यहां तक क्लियर है, आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर, एल्फा की जगह ए बाय आर, एक आर से आर कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, T1 माइनस T2 हाफ एम आर, तो कट गया पूरी तरीके से ए, दोनों ये इधर कैंसिल, ये इधर भी कैंसिल है ना, दो आर है, एक ये कैंसिल करेगा और एक ये कैंसिल करेगा, क्लियर है यहां तक, तो यहां पर तीसरी क्वेश्चन मास ऑफ पुली 1 गिवन है, आंसर आएगा। तो आप एक चीज नोट कर रहे हो, बिल्कुल सेम टू सेम लॉज ऑफ मोशन की ही थोड़ी सी इसमें एडिशन हो रही है, और तो कुछ हो भी नहीं रहा इसमें, और इंटरेस्टिंग है, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें, अभी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, देखना 10 मिनट रुको, क्या ये पॉइंट क्लियर है पहले देख लो। एक क्वेश्चन हमने किया था टॉर्क को लेके, अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में, वैसे तो अगली बार टेस्ट है, आपको याद हो ही जाएगा सारा ऑब्वियसली, तो अभी मैं याद दिला देता हूँ, हमने क्वेश्चन किया था, दो स्ट्रिंग्स हैं और एक रॉड है ना, दो स्ट्रिंग्स हैं और एक रॉड आपके सामने है, जब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट किया था, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में क्या करते थे कि हम इस स्ट्रिंग को कट कर देते हैं, कट करके ये नीचे घूमेगी,
तो बताओ टॉर्क क्या होगा, इनिशियल टॉर्क। मैंने क्वेश्चन पहले भी ये शीट में दिया था सेम टू सेम। जब हमने इसको कट किया, आपको टॉर्क निकालना है रॉड का क्या होगा, यही था। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपको उस दिन भी एक्सिस पूछा था, मैं फिर एक्सिस पूछता हूँ कि अगर ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग थी चलो, ये रॉड है, जब आपने राइट वाली स्ट्रिंग को कट कर दिया तो आपके पास इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होने वाला है, तो आपकी ये रॉड जो है वो ऐसे घूमने वाली है, इस तरफ से फिक्स्ड है, तो यही इसका क्या माना जाएगा, एक्सिस। तो कितने लोगों को डाउट है कि एक्सिस नहीं होगा, सबको समझ में आ गया एक्सिस होगा, इसके अबाउट रोटेशन हो रही है, ये रॉड नहीं है, ये एक्सिस है, रॉड बोर्ड के ऊपर है, तो एक्सिस मतलब ये रॉड इस तरीके से सर्कल कंप्लीट करेगी नीचे आने में, राइट, ये ऐसे है, ये ऐसे नीचे गिर जाएगी, तो ये तो पॉइंट फिक्स्ड है, तो एक्सिस ये रहा बोर्ड के अंदर। कोई डाउट इसमें? अगर डाउट नहीं है तो बोलो मोमेंट इनर्शिया क्या होगा इसके अबाउट, किया था लास्ट लेक्चर में, बोलो मोमेंट इनर्शिया क्या होगा इसके अबाउट। लास्ट लेक्चर में किया था, क्या था, मैं किया किया था, कोई नहीं, अगली बार ऐसे कई डायग्राम बना लाऊंगा पेज पे, फिल इन दी ब्लैंक्स में आएंगे ना, अगली बार पुट करो इसका मोमेंट इनर्शिया क्या होगा, इसका क्या होगा, अपने आप हो जाएगा। एम एल स्क्वायर बाय 3, आपको अगर याद हो मैंने रॉड ऐसे क्वेश्चन पूछा था, अगर ये रॉड है ग्राउंड पे और ये नट लगा के या बोल्ट लगा के हमने इसे हिंज कर दिया, इसको गिरने दिया, तो ये इसका एक्सिस था, तो इस एक्सिस के अबाउट याद है टेंजेंट के अबाउट आंसर क्या होता था, एम एल स्क्वायर बाय ऐसे करते थे, तो आपको याद होगा, ये तो याद होगा, अगर ये रॉड है इसके अबाउट मोमेंट इनर्शिया क्या होता था, एम एल स्क्वायर बाय 12, और इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाय थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस नहीं लगाई थी पिछली बार, तो इसमें जब भी एक्सिस टेंजेंट होगा ना, मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर रॉड फ्री टू मूव है ऐसे, तो एक्सिस सेंटर में से पास करेगा एम एल स्क्वायर बाय 12, लेकिन अगर यहाँ से अगर वो हिंज्ड है तो फिर एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है यहाँ तक। अब इस केस में वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, ये आपका एक्सिस फिक्स हो गया, ठीक है, जिसमें I की वैल्यू मैं क्या यूज करूंगा, एम एल स्क्वायर बाय 3, और कौन इसको नीचे की तरफ लेके आएगा, इसका वेट, वेट, ठीक। तो क्वेश्चन क्या था कि आप इसका टॉर्क निकालो, याद करो, आप मोमेंट ऑफ फोर्स या उस शीट में जब देखोगे ना, सेम क्वेश्चन बनाया हुआ है मैंने, टॉर्क निकालो इनिशियल, तो मैंने फॉर्मूला करवाया था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, ऐसे करवाया था, तो फोर्स कितना है mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितना है l by 2, तो टॉर्क कितना आया इनिशियल mg into l by 2। अगर मान लो एक बॉडी के ऊपर, न्यूटन का लॉ पूछ रहा हूं पुराना चैप्टर, एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है 10 न्यूटन, फोर्स होती क्या है मास into acceleration, एक बॉडी पे
टॉर्क एक्ट कर रहा है mg into l by 2, लेकिन टॉर्क होता क्या है, i टाइम्स अल्फा। क्या मैं इक्वेट कर दूं? टॉर्क निकालने के दो तरीके हैं, एक mg फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दूसरा i टाइम्स अल्फा। तो ये टॉर्क निकाल लिया, दिस मस्ट बी इक्वल टू i टाइम्स अल्फा, इक्वेट हो गया क्योंकि हमने अल्फा निकालना था। ठीक, मोमेंट इनर्शिया रॉड का टेंजेंट एक्सिस पे क्या होता है, ml स्क्वायर बाय 3। पुट कर दें, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, सॉल्व करके क्या आ गया, अल्फा आ गया। कोई डाउट इसमें? तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को इसलिए दो बार करवाया क्योंकि एक बार में तो मैं 50% ही करवा पाया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्चुअल में क्वेश्चन तो अब बनता था पूछना, क्योंकि क्वेश्चन में टॉर्क नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन में अल्फा पूछा जाता है, और जब भी अल्फा की प्रॉब्लम आती है वो टॉर्क से सॉल्व होनी है क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। ठीक है, यहां तक तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा के टॉर्क निकाला और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा निकाला तो अल्फा आ गया। कोई डाउट इसमें? दूसरा क्वेश्चन देखो इसके ऊपर जो आता है, कॉम्पिटिशन बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप सेंटर ऑफ मास देख रहे हो ये वाला, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ये रहा ये सेंटर ऑफ मास, मूव कैसे करेगा पहले इमेजिन करो, क्वेश्चन बाद में पूछेंगे। जब ये रॉड नीचे आ रही होगी तो कितने लोग एग्री करते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऐसे चलेगा, ये रहा, छोटे सर्कल में घूमेगा। ठीक है, कॉपी भी बना के देख लो, एक पेंसिल या पेन ले लो, कॉपी भी घुमाओ, सेंटर ऑफ मास घुमा के देख लो, सर्कल बनेगा। पेन घुमा के देख लो, सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? ये पूरा पेन सर्कल में घूम रहा है, अब सेंटर ऑफ मास ये तो ना कहेगा कि मैं नहीं घूमूंगा सर्कल में, वो भी तो बेचारा सर्कल में गोल गोल घूमेगा ही। ये देखो मैं दिखा देता हूं, जैसे इसमें ये पेन है, रॉड है, और ये ए सेंटर ऑफ मास है, और रॉड सर्कल में घूम रही है, तो ए देखो, ए सेंटर ऑफ मास है, ये देखो, देख रहे हो, ए भी सर्कल में घूम रहा है। फर्क ये है कि रॉड का एंड पॉइंट बड़े सर्कल में घूम रहा है और सेंटर ऑफ मास छोटे सर्कल में घूम रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको स्मॉल ए टेंजेंशियल आपको एक्सेलरेशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, ए सी एम। अब एक चीज बताओ, ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा इस सर्कल के लिए, इट इज एक्टिंग लाइक अ टेंजेंट। टेंजेंट दिख रहा है, ए की वैल्यू इसमें टेंजेंट होगी, और इस सर्कल का रेडियस बोलो क्या होगा, एल बाई टू, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। सर्कुलर मोशन याद है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा, ए सेंटर ऑफ मास इस आर की जगह कितना पुट करेंगे, एल बाई टू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कितने रेडियस में घूम रहा है, एल बाई टू, एल बाई टू इंटू अल्फा हमने निकाल लिया, इस अल्फा को यहां पुट कर दिया, आर की जगह एल बाई टू पुट कर दिया, एल से एल आंसर आ गया सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें? समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा, बोलो उस वक्त जब एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास की ऊपर कितनी निकली, एक्सेलेरेशन 3g/4 है, तो बोलो उस टाइम टेंशन कितनी थी स्ट्रिंग में, टी निकाल दो। ठीक, लास्ट पार्ट इसका, टी निकाल दो। अब टी कैसे निकलेगा, अब टेंशन जो टी है वो निकालने के लिए आप इमेजिन करो, देखो रॉड का साइज मैटर नहीं करता, क्यों, बेसिकली अगर आप टी निकालना चाहते हो टेंशन, तो टेंशन तो लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट से निकलेगी ना, जैसे हम फोर्स की बनाएंगे, और जब मैं फोर्स की इक्वेशन बनाऊंगा मैं रोटेशनल मोशन थोड़ा यूज करूंगा। फोर्स की इक्वेशन जो बनती है, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, अल्फा थोड़ा यूज करते हैं उसमें। और जब मैं लॉज ऑफ मोशन की कोई इक्वेशन बनाता हूं तो इक्वेशन हमेशा किस पे बनती है, एट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हम बॉडी को क्या मानते हैं, पॉइंट मास, हम कोई शेप थोड़ा लेते थे, याद करो लॉज ऑफ मोशन में, चाहे ट्रक हो चाहे ब्लॉक हो चाहे कुछ भी हो, हम तो कहते थे मास एम है, ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, हम कोई शेप के ऊपर तो काम ही नहीं करते थे। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको टी निकालना है, टेंशन फोर्स है, और फोर्स की इक्वेशन बनाने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि रॉड का मास सेंटर ऑफ मास से पड़ा हुआ है, रॉड की शेप से कोई लेना देना नहीं। तो अगर ये रॉड का मास है, रॉड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एम, तो ये सेंटर ऑफ मास है, रॉड के ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स है, टेंशन टी, रॉड के नीचे की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, वेट एम जी, और रॉड नीचे आएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए सी एम। टॉर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, फोर्सेस का लगा रहे हैं,
तो ऊपर की फोर्स कितनी है टी, नीचे कौन लेके आ रहा है एम जी, टोटल मास है एम और ए एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की पता है, तो बड़ी फोर्स एम जी माइनस टी इज एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास, तो एम जी माइनस टी इज एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 3g/4, टेंशन कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि टॉर्क की क्या एप्लीकेशंस हैं और कैसे लॉज ऑफ मोशन के साथ वो कंबाइन करके अपना आंसर देगी। ठीक ठीक यहां तक कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट शीट नंबर नहीं, ये तो नहीं है शीट नंबर, ये रही